हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम ए प्लेन ऑफ कन्वेक्सनेस व्हिच मेन सरफेस इज इनवर्ड एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ इमेज एंड इज फोकल लेंथ। ओके, तो आपका कुछ इस टाइप का है, ये आपका कन्वेक्स है, ये प्लेन, ये हो गया प्लेन ऑफ कन्वेक्स, और हमने क्या किया, प्लेन को सिमिलर कर दिया। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं, एक है आपका कन्वेक्स सरफेस, एक प्लेन सरफेस, और नियन स्ट्रक्चर काम करेगा, और एक हुआ आपका मिरर। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और जो डाइट आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ओके, अब देखिए इसका जो नॉर्मल होगा वो किधर होगा, इधर होगा, कैसे आप निकाले। तो देखो यह तो कर्व सरफेस है, इसको पूरा एक सर्किल बनाइए, ठीक है, आपने इसको पूरा सर्किल बनाया, ये होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कोई एक पॉइंट है पी पे, हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, एक सीधा सा लाइन खींचेंगे, ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मानते हैं। तो पहले हम जो है कन्वेक्स सरफेस पे लगाएंगे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है, आर पुट करेंगे तो आपका वी का मान कितना आ जाएगा, म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1। अच्छा, अब ये तो सरफेस है, अब यहां से पास किया तो ये रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम गया, तो ये क्या करेगा, ये जो है नॉर्मल टिक टॉक मुड़ेगा। अब देखो अब ये क्या किया कि यहां पे जो है अब इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, इसको इसके टर्म हमने बेंड किया। अब देखो अब ये हो गया हमारा प्लेन सरफेस, इसको हम इंडार्ज करते हैं, तो अगर यहां से एक नाइट रे आया, तो अगर ये मिरर है तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, और तो उसी प्रकार से हम यहां आगे एक नॉर्मल खींचेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करके कहां आएगा, यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब ये काम कर रहा है किसके, तो देखो पहला सरफेस का मतलब रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ओके इतना है। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो हमारा कहां हो रहा है, ये हमारा जो प्लेन सरफेस है वहां पे हो रहा है। ओके, तो हम सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ओके, तो सेकेंड सरफेस के द्वारा जो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ वहां पे क्या पुट करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस मी वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस 1 बाय आर, तो यहां पे जो होगा आर का मान कितना होगा आपका, इनफाइनाइट होगा, तो हम क्या पुट करें, म्यू टू बाई वी, यहां पे म्यू की जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 बाय वी डैश माइनस म्यू बाय यू, यहां से आपका यह तो वी है, अब यहां पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे यू का मान कितना पुट करेंगे, म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 1 बाय इन्फिनिटी। ओके, अब यहां पे जो वी डैश है, वी डैश का मान हमारा कितना होगा, 1 बाय वी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू से म्यू कटेगा तो क्या होगा, म्यू माइनस 1 ऊपर जाएगा, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय आर, यहां से आपका वी डैश का मान कितना आएगा, आर डिवाइड बाय न्यू माइनस 1, ठीक है। अब देखो अभी यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो
तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन और थर्ड रिफ्रैक्शन। तो थर्ड रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो देखो ये हुआ हमारा कर सरफेस और इंडाइट रे हमारा यहां पे आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर खींचना को सिखाया था कि इसका सेंटर से कहीं ना कहीं पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मानेंगे ये ठीक से सीधा सीधा नहीं हो पाया, ठीक है, सीधा करते हैं, बनना पड़ेगा कुछ उल्टा पुल्टा। ओके, डाइट रे यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, डेंसर टू रेयरर गया, डेंसर टू रेयरर गया तो क्या करेगा, ये इससे दूर भागेगा। थर्ड रिफ्रैक्शन की बात है हमारी, तो यहां पे थर्ड रिफ्रैक्शन, यहां पे क्या लिखेंगे, म्यू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू डिवाइड इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर। ओके, यहां पे यही पुट करेंगे तो आपका मान कितना होगा। तो देखो ये जो डाइट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है डेंसर टू रेयरर। ओके, तो इमेज बन रहा है वो कहां पे, रेयरर में। तो यहां पे म्यू टू का मान कितना होगा, वन होगा, वन बाय बी डैश डैश ओके माइनस म्यू वाई। अब यहां पे यू कितना होगा, यह तो आपका जो इमेज बना है सेकेंड रिफ्रैक्शन में वो अब यहां पे करेगा ऑब्जेक्ट की तरह का, यहां पे क्या पुट करेंगे, आर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन। ओके, हाँ सही, ओके, वन बी डैश डैश और यहां पे इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर। ओके, तो यहां पे वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय एफ, और यहां पे एफ का मान कितना होगा, म्यू माइनस वन बाय आर। ओके, अब यहां से आपको वी डैश का मान मान जाएगा, वी डैश कहां पे होगा। ओके, अब यहां से हमने रिफ्रैक्शन फॉर्म लगाया, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ओके, तो नाइट आ रहा डेंसर टू रेयर में, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट आ रहा, तो यहां पे है ऑब्जेक्ट का वन बाय वी डैश डैश वन बाय यू और म्यू माइनस वन बाय आर। ओके, यहां पे पुट किया, यहां पे आपका मान कितना आ जाएगा, वन वी डैश डैश का मान आएगा म्यू माइनस वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर, वन वी डैश डैश का मान आ जाएगा टू म्यू माइनस वन बाय आर। ये हो गया आपका फोकल नेट, तो आपका फोकल नेट कितना आ जाएगा, नो सॉरी, ये आपका हो गया ईमेल, ईमेल कितना हो गया, आर डिवाइड बाय टू म्यू माइनस वन। ओके, तो दो आपका इमेज का डिस्टेंस होगा वही आपका यहाँ पे फोकल नेट होगा, क्योंकि अगर कोई भी नाइट रे होता है इन्फिनिटी पे आता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकल नेट पे। तो हमारा जो फायर इमेज आया वही हमारे यहाँ पे फोकल नेट होगा। ओके,